इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की एक अलग ही डिमांड है, एक अलग ही टशन है। गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म में आपको एक टेंशन फ्री जॉब मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, और सोसाइटी में जो इज्जत मिलती है यार, वो तो एक अलग ही है। यहाँ तक कि अगर आप किसी फंक्शन में होते हो तो आपके रिलेटिव्स आपकी पोस्ट और डिपार्टमेंट पहले बताते हैं, बाद में आपका नाम बताते हैं। तो गाइज, क्लास 12th के बाद वो कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब हैं जो हमें बहुत आसानी से मिल सकती हैं, आज के वीडियो में हम ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स और उनकी डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पहली जॉब क्लास 12th के बाद, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB। गाइज, इंडियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रेलवे डिपार्टमेंट आता है, और रेलवे की जॉब बड़ी प्रेस्टीजियस जॉब मानी जाती है। आप क्लास 12th के बाद रेलवे जॉब में जा सकते हो, जिसके लिए अलग अलग 10+2 लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ये एग्जाम होते हैं 10+2 लेवल के। अब रेलवे में अगर आप 12th क्लास के बाद अगर आप रेलवे में रिक्रूटमेंट होती है आपकी, तो आपको लोकोमोटिव पायलट, ऑफिस असिस्टेंट और टिकट कलेक्टर या स्टेशन मास्टर जिसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ये बात अलग है कि इन पोस्ट के लिए कुछ एक्सपीरियंस का भी मैटर रहता है और कुछ क्वालिफिकेशन में वेरिएशन रहते हैं। तो गाइज, 10+2 के बाद सबसे पहले जो बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी होती है वो होती है रेलवे की, इंडियन रेलवे की। अब इसके बाद सेकेंड जॉब जो है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बच्चों, अगर आप डिफेंस फील्ड में जाना चाहते हो, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी के साथ अगर आप काम करना चाहते हो, तो 12th के बाद, 10+2 के बाद बेस्ट माना जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। कई लोगों का माइंड सेट रहता है कि यार मुझे 12th के बाद कुछ नया नहीं करना, मुझे NDA एग्जाम क्रैक करना है। बेसिकली NDA एक एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जाम की पूरी डिटेल एक सेपरेट वीडियो में आपको, नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है जिसमें हम सिर्फ NDA की डिटेल देखेंगे, तो वहां पे आपको इसकी वीडियो में डिटेल मिल जाएगी। NDA एग्जाम जो है उसके बारे में आपको बता दूं, हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर को 3 विंग्स में डिवाइड करा गया है, जहां पर इसका फर्स्ट विंग है इंडियन आर्मी, इसका पहला विंग है इंडियन आर्मी, यहां पर इसका सेकेंड विंग है इंडियन नेवी, इसका सेकेंड विंग है, और थर्ड विंग है इंडियन एयरफोर्स। गाइज, अगर आप लोग इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में जॉब करना चाहते हो, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हो, तो NDA एग्जाम आफ्टर 10+2 बेस्ट एग्जाम माना जाता है। अब NDA एग्जाम के बारे में मैं आपको अभी फिलहाल शॉर्ट में बता दूं कि यहां पर आप लोगों को क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 क्लियर होना चाहिए, दैट इज क्लास 12th। आफ्टर क्लास 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम का बंदा इंडियन आर्मी में जा सकता है। ये बात अलग है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में कहीं ना कहीं फिजिक्स और मैथमेटिक्स वालों की प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल हैं। तो गाइज, इंडियन डिफेंस सेक्टर में अगर आपको ज़रा भी इंटरेस्ट है, अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो NDA एग्जाम आपके 10+2 के बाद बेस्ट एग्जाम है। इंडियन कोस्ट गार्ड, गाइज, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो इंडियन नेवी से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब स्टेटस दोनों का सिमिलर रहता है। तो होता ये है कि अगर आप लोग 12th, तो अलग बात है, इवन क्लास 10th के बाद भी अगर आप अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो क्लास 10th के बाद या 12th के बाद आप लोगों को बहुत आसानी से मिल सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें कैडेट्स की, सेलर की, या फिर कोस्टल सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो गाइज, कोस्टल सिक्योरिटी फोर्सेस ये काफ़ी एक बड़ी जॉब मानी जाती है। वैसे भी हमारे इंडियन कोस्टल एरिया काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी होती है, और कोस्टल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या सेलर या कैडेट्स के लिए जो जॉब्स हैं, इसमें कई जॉब्स ऐसी हैं जो आप हाई स्कूल के बाद अप्लाई कर सकते हो, मतलब आफ्टर क्लास 10th, और कई जॉब्स ऐसी हैं जो आप लोग 10+2 के बाद अप्लाई कर सकते हो। तो गाइज, ये डिपार्टमेंट भी अपने नज़र में रखना, गूगल सर्च करोगे आपको इसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, कैसे फॉर्म इसके फिल होते हैं, कैसे इसके एग्जाम्स होते हैं, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। क्लास 12 के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज में भी करियर बनाने का एक बहुत शानदार मौका है बच्चों आप लोगों के पास। बस 12 जो है वो आपको किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से पास करना ज़रूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेज में आखिर क्या क्या आता है? तो देखो, सिक्योरिटी फोर्स में एक अच्छी जॉब होती है, एक बहुत अच्छी सैलरी होती है। आखिर वो कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जहां पर हम लोग आफ्टर 10+2 एलिजिबल हैं, मतलब आफ्टर क्लास 12th एलिजिबल हैं?
तो मैं आपको वन बाय वन वो सिक्योरिटी फोर्सेस बता देता हूँ। सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, BSF के जवान हम लोगों को अलग अलग बॉर्डर्स पे मिलते हैं। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। हमारे इंडो और इंडिया और तिब्बत के बीच जो बॉर्डर है वहां पर एक स्पेशल पुलिस को रखा जाता है। सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस काम करती है, उसे बोला जाता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP। इसके बाद है सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल ये भी एक सिक्योरिटी फोर्स है जिसे SSB के नाम से जाना जाता है। गाइज इसके अलावा आप लोगों ने शायद CRPF का नाम सुना होगा। CRPF के अलावा CISF, ये वो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं जो हमारे इंडियन सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और यहाँ पर हर साल बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट होती है और यहाँ के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लिए भी 10th या 12th पास स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है आप सभी लोगों के लिए आफ्टर क्लास 12। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एक बहुत बड़ा कमीशन है जिसका काम है गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करना और वहां पे लोगों को जॉब देना। तो SSC का एग्जाम होता है, ये एग्जाम 10th लेवल का भी होता है, 10+2 मतलब 12th लेवल का भी होता है, ग्रेजुएशन लेवल का भी होता है। तो गाइज हम बात कर रहे हैं सिर्फ 12th लेवल के एग्जाम की। तो आफ्टर क्लास 12 जो SSC एग्जाम कंडक्ट कराता है वो बेसिकली 2 डिफरेंट टाइप के एग्जाम होते हैं। जैसे इसके 12th के बाद जो एग्जाम का पहला लेवल है वो है SSC कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल, जिसे हम लोग SSC CHSL भी बोलते हैं, कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल। बच्चों अगर यहां पर आप लोगों ने ये एग्जाम क्रैक कर दिया तो इस एग्जाम के बाद क्लर्क लेवल की या डेटा एंट्री ऑपरेटर लेवल की जॉब आप लोगों को मिलेगी किसी भी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। तो ये जॉब बड़ी सुकून की जॉब है, मतलब डेटा एंट्री ऑपरेटर है या फिर क्लर्क लेवल है तो बहुत ईजिली यहां पर आप लोगों को जॉब मिलेगी और इसके लिए रिक्रूटमेंट काफी ज्यादा चलती है। वहीं आफ्टर 12th अगर हम बात करें SSC का जो सेकंड लेवल का एग्जाम है वो होता है SSC मल्टीटास्किंग। तो बेसिकली SSC मल्टीटास्किंग जो है ये वो एग्जाम है, यहाँ से आपको ऐसा स्टाफ चाहिए जो मल्टीटास्किंग काम करे। उसको अगर आप क्लर्क लेवल का काम दे दो तो वो भी कर ले, अगर आप उसे किसी सपोर्टिंग स्टाफ का काम दे दो तो वो सपोर्टिंग स्टाफ का रोल भी प्ले कर ले। मतलब एक ऐसा स्टाफ चाहिए यहाँ से हम लोगों को जो मल्टीटास्किंग का काम करे, और जनरली यहाँ से सपोर्टिंग स्टाफ को लिया जाता है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज में या अलग अलग गवर्नमेंट के बड़े डिपार्टमेंट में उन लोगों को जॉब दी जाती है। तो गाइज 12th के बाद आपके सामने गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप डिफेंस में जा सकते हो, आप सिक्योरिटी में जा सकते हो, आप रेलवे में जा सकते हो, आप SSC के बाद एक सुकून की जॉब भी ले सकते हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग लेवल का हो या फिर कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल का हो। तो बच्चों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो कोशिश करना इस वीडियो में से जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, अगर उनमें से कोई भी एग्जाम की आपको फुल डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो गाइज एक लाइक तो बनता है यार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।